चैनल्स पर ओलंपियाड एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित चैप्टर्स एंड एमसीक्यू लेकर आती हूँ। आज मैं लेकर आ रही हूँ एनसीओ ओलंपियाड वर्कबुक से चैप्टर नंबर्स 5 लर्निंग टू यूज़ कीबोर्ड। इसके पार्ट 1 मैं पिछले वीडियो में बना चुकी हूँ और आज हमारा लर्निंग टू यूज़ कीबोर्ड का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम क्लास 2 कंप्यूटर से क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसे हम एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि CBSE क्लास 2 कंप्यूटर्स के चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन करवा कर उसके बुक सॉल्व क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर बच्चा पहले वो बुक क्वेश्चंस सॉल्व कर ले और उस चैप्टर को समझ ले, उसके बाद एनसीओ ओलंपियाड वर्क बुक के एमसीक्यू करे, तो उसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे और बच्चा खुद ही क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर पाएगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर क्लास फर्स्ट के लिए भी कंप्यूटर सब्जेक्ट से मैंने सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके ओलंपियाड एनसीओ वर्कबुक्स के एमसीक्यू के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following keys, when pressed, closes the pop-up menu of Windows 7 as shown in the given snapshot? Option A, Home, B, End key, C, Escape key, and D, Shift key. जब हम किसी की को प्रेस करते हैं तो उसके पॉपअप मेनू विंडो 7 में, जैसे इस प्रकार ये पॉपअप मेनू दिया गया है जो गिवन स्नैपशॉट में हो रहा है, तो कौन से की को हम प्रेस करते हैं तो ये पॉपअप खुलता है या क्लोज द पॉपअप मेनू एज शोन। तो इसको हम क्लोज करने के लिए कौन सा, ये जो मेनू खुल रहा है इसको क्लोज करने के लिए हम कौन से ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एस्केप की। एस्केप की इज यूज टू कैंसिल एन ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर्स। एस्केप की का यूज किसी भी ऑपरेशन को कंप्यूटर में बंद करना होता है या कैंसिल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12। In the following word, cursor has been placed after the letter A. नीचे एक वर्ड दिया गया है और बीच में हमारा कर्सर है, के ई वाई बी ओ ए के बाद कर्सर है, प्लेस आफ्टर लेटर ए। Which of the following key when press will remove the letter R after the cursor? हमें कर्सर के बाद R लेटर को रिमूव करना है, तो इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए डिलीट की, बी इंटर की, सी शिफ्ट की, एंड डी बैक स्पेस की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिलीट की। डिलीट की इज प्रेस व्हेन यू वांट टू इरेज द लेटर आफ्टर द कर्सर। डिलीट की का यूज़ हम तब करते हैं जबकि हम चाहते हैं कि कर्सर के बाद का लेटर डिलीट हो जाए। एंड इफ़ यू वांट टू इरेज द लेटर बिफोर द कर्सर, और यदि हम चाहते हैं कि कर्सर के पहले का लेटर डिलीट हो जाए, तो हम देन बैक स्पेस की इज प्रेस, तब हम बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वुड बी द रिज़ल्ट इफ़ यू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप? ये स्टेप को करने के बाद हमें कौन सा रिजल्ट प्राप्त होगा? स्टेप 1 टाइप अ वर्ड एनसीओ, फिर स्टेप 2 प्रेस स्पेस बार की, एनसीओ लिखने के बाद स्पेस बार की हम दबाएंगे, एंड स्टेप 3 प्रेस बैक स्पेस की, फिर हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, एंड स्टेप 4
टाइप अनदर वर्ड ओलंपियाड, उसके बाद हम ओलंपियाड वर्ड को टाइप करेंगे तो हमारा स्क्रीन पर वो किस प्रकार का लिखा हुआ दिखेगा या हमें कौन सा रिजल्ट प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एन सी ओ ओ एल वाई एम पी आई ए डी। हमारा ऑप्शन ए हमें प्राप्त होगा एन सी ओलंपियाड इन स्टेप को करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द की विथ देयर रिजल्ट्स एज्यूमिंग कैप्स लॉक इज करेंटली ऑफ। इनमें से कौन सा मैच इनकरेक्ट है यदि हम एज्यूम करें कि कैप्स लॉक की जो है करेंटली बंद किया गया है या बंद किया हुआ है, तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए 3 and 0 -3, 0। ऑप्शन बी 7 and 5 -, and percentage। ऑप्शन सी कैप्स लॉक प्लस सी माइनस सी, एंड ऑप्शन डी माइनस एंड 7 -7। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 75। व्हेन यू टाइप द की सोन एज ऑप्शन बी, इट विल डिस्प्ले 75 ऑन द स्क्रीन। तो हमें स्क्रीन पर 75 लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द की बाय द गिवन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो गिवन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सा की है वो फाइंड करना है। एक्स, मूव द कर्सर सेवरल स्पेस फॉरवर्ड एट वंस। कर्सर जो है सेवरल स्पेस फॉरवर्ड, एक बार उसको आगे बढ़ता है, मूव करता है। वाई, allow you to cancel an operation, operation को cancel करने का allow करता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए x, tabs की, tabs की के द्वारा, and y escape की, b x tabs की and y F10, ऑप्शन c x shift की and y escape की, and ऑप्शन d x tabs की and y caps lock की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टैब्स की। टैब्स की मूव द कर्सर सेवरल स्पेस फॉरवर्ड द एट वंस, यानी एक बार ही हम प्रेस करते हैं तो टैब्स की जो है 8 स्पेस लेता है। एंड वाई अलाउ यू टू कैंसिल द ऑपरेशन, और एस्केप की से हम कोई भी ऑपरेशन को कैंसिल कर सकते हैं। विंडो पे या कंप्यूटर पे कोई भी ऑपरेशन चल रहा है या कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, एस्केप की के द्वारा उसको हम हटा सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फंक्शनैलिटी टू की गिवन इन कॉलम 1 विद द की गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 and कॉलम 2 मैच करना है की के फंक्शन के अकॉर्डिंग, इसको मैच करना है। ऑप्शन ए दिस इज यूज्ड टू इंसर्ट अ स्पेस वाट एवर रिक्वायर्ड। जब हमें स्पेस की रिक्वायर होती है तो हम कौन सा की दबाते हैं, ऑप्शन 3 स्पेस बार। स्पेस बार से हम स्पेस की दबाते हैं और स्पेस लेते हैं वर्ड के बीच में। ऑप्शन बी दिस इज यूज टू डिलीट वर्ड और कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड से किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को हमें डिलीट करना होता है तो हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। एंड सी दिस इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इन अ डॉक्यूमेंट। हमें न्यू लाइन पे जाना होता है या न्यू डॉक्यूमेंट में न्यू लाइन पर जाना होता है या न्यू लाइन इंसर्ट करना होता है तो हम इंटर की दबाते हैं। एंड फोर दिस इज यूज टू डिलीट वर्ड और कैरेक्टर टू राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर की राइट तरफ से किसी भी कैरेक्टर को हमें या वर्ड को डिलीट करना होता है तो हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन नमलॉक की इज ऑफ ऑन द कीबोर्ड, जब नमलॉक की कीबोर्ड में ऑफ रहता है, प्रेसिंग 7 होम की ऑन द न्यूमरिक पैड, न्यूमरिक पैड से हम 7 होम की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए, बिल इंसर्ट 7 इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में 7 इंसर्ट हो जाता है। बी, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, कर्सर जो है लाइन के फर्स्ट में स्टार्टिंग में चला जाता है। सी, बिल परफॉर्म पेज अप ऑपरेशन, पेज ऊपर चला जाता है। एंड डी, बिल परफॉर्म पेज डाउन ऑपरेशन, और पेज सबसे नीचे, कर्सर पेज के सबसे नीचे कर्सर चला जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मूव द कर्सर टू बिगनिंग ऑफ द लाइन, कर्सर जो है मूव होकर लाइन के फर्स्ट में या स्टार्टिंग में चला जाता है। प्रेसिंग F7 की ऑन द न्यूमरिक पैड, जब हम प्रेसिंग 7 होम की को न्यूमरिक पैड से प्रेस करते हैं, व्हेन नमलॉक की इज ऑफ और नमलॉक की ऑफ रहता है, विल मूव कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन फ्रॉम इट्स करेंट पोजिशन, तब हमारा कर्सर जो है लाइंस के स्टार्टिंग में चला जाता है और यही इसकी करेंट पोजिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट रिजल्ट व्हेन यू परफॉर्म द गिवन स्टेप सीक्वेंटली विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट रिजल्ट होगा जब हम परफॉर्म करेंगे गिवन स्टेप्स को कीबोर्ड की मदद से। स्टेप 1, प्रेस शिफ्ट की प्लस एन की व्हेन कैप्स लॉक की इज ऑन, जब कैप्स लॉक की ऑन रहेगा और हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे। स्टेप 2, प्रेस शिफ्ट प्लस सी की व्हेन कैप्स लॉक की इज ऑन, कैप्स लॉक की जब ऑन रहेगा और हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। स्टेप 3, प्रेस शिफ्ट प्लस ओ की हम प्रेस करेंगे जब कैप्स लॉक की ऑफ रहेगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए एन सी ओ, ऑप्शन बी एन सी ओ स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, ऑप्शन सी एन सी ओ पूरा कैपिटल में लिखा हुआ, एंड डी एन सी ओ जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में और बाद के सी एंड ओ दोनों लेटर्स स्मॉल में लिखे हुए आएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेप ऑप्शन ए एंड सी ओ, व्हेन कैप्स लॉक की इज ऑफ एंड शिफ्ट की इज प्रेस्ड विथ एनी अल्फाबेट की, देन कैपिटल लेटर आर टाइप ऑन द स्क्रीन। जब हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रेस शिफ्ट की प्लस एन की करते हैं जब कैप्स लॉक ऑन रहता है, और जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो कोई भी की जो है हमारा कैपिटल में लिखाता है, तो शिफ्ट के साथ एन हम लिखते हैं तो एन हमारा जो हो जाता है स्मॉल में लिखाएगा। व्हेन कैप्स लॉक की जो है की ऑन एंड शिफ्ट की इज प्रेस्ड विथ एनी अल्फाबेट की, देन स्मॉल लेटर आर टाइप ऑन द स्क्रीन, और जब हम कैप्स लॉक की ऑन रखते हैं और शिफ्ट की के साथ किसी एनी अल्फाबेट की को प्रेस करते हैं तो हमारा लेटर जो है स्क्रीन पर स्मॉल में टाइप होगा। तो यहाँ पर हम क्या है, कैप्स लॉक की ऑन रखते हैं लेकिन शिफ्ट के साथ एन को प्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो है लेटर स्मॉल में लिखाएगा, पहला लेटर हमारा एन स्मॉल में लिखाएगा, फिर दूसरे पोजीशन पे भी शिफ्ट प्लस सी एन की प्रेस किए हैं जबकि कैप्स लॉक हमारा ऑन है, कैप्स लॉक ऑन करके हम शिफ्ट की के साथ कोई अल्फ़ाबेट की को लिखते हैं तो हमारा स्मॉल में लिखाएगा, एंड लास्ट प्रेस शिफ्ट प्लस ओ लिखेंगे व्हेन कैप्स लॉक की इज ऑफ, जब हम कैप्स लॉक की को ऑफ रखेंगे और शिफ्ट की के साथ किसी भी की को हम प्रेस अल्फ़ाबेट की को प्रेस करेंगे तो वो लेटर हमारा कैपिटल में लिखाता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए एन सी ओ, एन सी स्मॉल में लिखाएगा एंड ओ जो है कैपिटल में लिखाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग की वुड टेक द कंट्रोल टू द नो बटन इन द गिवन डायलॉग बॉक्स राइट नाउ, यस बटन इज एक्टिव।
इनमें से कौन से की को हम प्रेस करेंगे, ऑप्शंस में दिए गए कौन से की को हम प्रेस करेंगे जबकि हमारा ये डायलॉग बॉक्स में नो बटन जो दिया गया है उसको कंट्रोल करने के लिए हम राइट नाउ पे क्लिक करेंगे और यस बटन एक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन ए कैप्स लॉक, बी टैब्स की, सी स्पेस बार एंड डी बैक स्पेस की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टैब्स की। टैब्स की कैन बी यूज टू मूव द कंट्रोल फ्रॉम वन बटन टू अनदर इन द डायलॉग बॉक्स ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 20। टू इंसर्ट एट द रेट इन द डॉक्यूमेंट यू शुड, अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में एट द रेट लिखना है तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रेस द एट द रेट की, बी टर्न ऑफ द नमलॉक की एंड देन प्रेस द एट द रेट की, सी होल्ड द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द एट द रेट की एंड डी होल्ड द अल्ट की एंड देन प्रेस द एट द रेट की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी होल्ड द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द एट द रेट की। शिफ्ट की शुड बी प्रेस विथ नंबर की इफ़ यू वांट टू टाइप सिंबल। शिफ्ट की को हम प्रेस करके नंबर की से जो सिंबल दिया रहता है ऊपर में अपर साइड में वो की हम टाइप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर्स रहेगा चैप्टर 6 लर्निंग टू यूज़ माउस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।